नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। इस वीडियो की सहायता से आप देखेंगे कि एनपीएस कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 के बाद जिनकी पोस्टिंग हुई है वह एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, जो नॉन पेंशन स्कीम, तो उसमें 10% जो राशि एनपीएस कंट्रीब्यूशन के रूप में अपने अकाउंट से कटती है और 10% गवर्नमेंट द्वारा अपने अकाउंट में जमा की जाती है। तो जो 10% प्लस 10% 20% अपने अकाउंट में जो होता है, तो उस 10% राशि को अपना कुछ हिस्सा जो है वो अपन हरित कर सकते हैं, एज ए निकासी कर सकते हैं। उसकी कुछ शर्तें हैं, किस शर्तों के अंतर्गत अपन इस निकासी को हरित कर सकते हैं, उसके क्या नॉन्स हैं, क्या टर्म है, क्या कंडीशन है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इस लाल बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जो भी होगा वो आपके मोबाइल में प्राप्त हो जाए। न्यू पेंशन स्कीम योजना के कर्मचारी यहाँ पर जो टायर वन के अंतर्गत ब्रांड अकाउंट में निकासी के संबंध में यहाँ पर जो अपनी शर्तें हैं उसमें पहला है कि कर्मचारी का सेवाकाल डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कम 10 वर्ष हो। एक बार में आहरण निकासी अपने अंशदान का 25% से अधिक अपन आहरित नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है, आहरण निकासी कर्मचारी अपने कुल सेवा काल में केवल 3 बार कर सकता है। मतलब ये जो अपन राशि निकालने का चाह रहे हैं, 25% अपनी जमा की जो राशि है उसमें से 25% हिस्सा अपन निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी कुल सेवा काल में केवल 3 बार ही मौका है इसमें। और एक बार आहरण निकासी के बीच में कम से कम 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए। और किसके ऊपर लागू हो सकता है आंशिक आहरण निकासी के प्रयोजन के लिए क्या किया जा सकता है, इसमें कुछ नॉन्स ये दिए हुए हैं, कुछ कंडीशन है इसकी। ये जो आदेश है, ऑर्डर है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपलोड कर लिया है। यहाँ पर आंशिक आहरण का प्रयोजन लिखा हुआ है और किस पर्पज़ से अपन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कर्मचारी अपने स्वयं के नाम से विविध रूप से विवाहित या पति पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कोई मकान या फ्लैट क्रय करने का या निर्माण के लिए, तो ये अलाउ नहीं है, अनुमति नहीं है इसकी। अपने बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए जिसमें वे दत्तक बच्चे हैं तो शामिल हैं। और यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज हैं जो उसके लिए आवश्यक हैं, कि स्वयं का घोषणा पत्र, प्रॉपर्टी के कागजातों के फोटोकॉपी, ये मंजूर प्लान, बैंक के लोन ऑफर लेटर, मतलब ये जो शर्तें हैं उसकी आंशिक आहरण का प्रयोजन मतलब क्या है, किस पर्पज से ले रहे हैं और यहाँ पर आवश्यक उसके लिए क्या दस्तावेज अपन को सबमिट करने हैं। इसके लिए आपको अपनी डायरी जो है एनपीएस की डायरी है वो भी अपडेट होनी जरूरी है। इसमें कुछ शर्तें इसमें लिखी हुई हैं, जैसे कर्मचारी अपने स्वयं के नाम से या अधिकृत रूप से विवाहित, जैसे कोई बीमारी का कारण हो, बीमारी निर्दिष्ट के इलाज के लिए भी अपन इसमें डॉक्टर के प्रमाणीकरण के आधार पर इसमें राशि हरित कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड किया है, अपन इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके मित्रों, तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।